22 जनवरी 2024 ये तारीख हर राम भक्त के मन में रच बस गई है। देश भर में खुशी का माहौल है। ऐतिहासिक नगरी अयोध्या में जश्न मनाया जाएगा। भव्य राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा पूजा अनुष्ठान होगा। हाल ही में पीएम मोदी ने 11 दिन तक विशेष अनुष्ठान की घोषणा भी की थी, जिसकी शुरुआत नासिक धाम पंचवटी से की गई है। जो लोग पहले से ही अयोध्या जाने की तैयारी कर चुके हैं, उन्होंने होटल बुकिंग, ट्रेन की टिकट समेत हर चीज का इंतजाम कर लिया है। वहीं पुलिस और प्रशासन भी बिल्कुल तैयार है। जाहिर सी बात है कि इतना बड़ा इवेंट है तो तैयारियां भी खास ही होंगी। साज सजावट से लेकर सुरक्षा तक हर चीज का पुख्ता इंतजाम किया गया है। इस मेगा इवेंट के लिए भारी सिक्योरिटी तैनात की जाएगी। बताया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश पुलिस के कुल 200 कर्मियों को NSG यानी राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड से हर परिस्थिति का सामना करने की ट्रेनिंग दी गई है, जिसमें आतंकवाद विरोधी अभियानों से जुड़ी ट्रेनिंग भी शामिल है। ये सभी पुलिसकर्मी अयोध्या में भव्य राम मंदिर पर कड़ी नजर बनाए रखेंगे और मंदिर की सुरक्षा करेंगे। मिली कड़ी ट्रेनिंग। बता दें कि NSG के बड़े अधिकारियों ने CNN न्यूज 18 से इस जानकारी की पुष्टि की है और बताया है कि इन प्रशिक्षित पुलिसकर्मियों को आतंकवाद विरोधी अभियानों के अलावा कमरे में घुसकर ऑपरेशन को अंजाम देने, बंधकों को बचाने और मोटरसाइकिल चलाने के अलावा लोगों की सुरक्षा करने की कड़ी ट्रेनिंग दी गई है। बताया जा रहा है कि NSG ट्रेनिंग ले चुका ये बल राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा समारोह के दिन यानी 22 जनवरी 2024 के आसपास सुरक्षा का जिम्मा संभाल सकता है। इन्हें ऐसी ट्रेनिंग दी गई है कि CRPF की तरह वहां तैनात हो सकते हैं और सुरक्षा का जिम्मा संभाल सकते हैं। एक अफसर ने जानकारी दी कि 24 सितंबर 2002 को जब गुजरात स्थित अक्षरधाम मंदिर पर हमला हुआ था, तब एक सबक मिला था और ये समझ आया था कि सिक्योरिटी फोर्सेस पहले ही आतंकवादियों का पता लगाने में विफल रही थी। ऐसे में इन पुलिस कर्मियों को बहुत कड़ी ट्रेनिंग दी गई है, कैसी परिस्थितियों से निपट सकेंगे। जानकारी के अनुसार NSG ने UP पुलिस को आतंकियों को एक इलाके में घेरने और घुसपैठियों को पकड़ने के लिए ट्रेनिंग दी है, यानी जरूरत पड़ने पर हर परिस्थिति पर समय रहते काबू पाया जा सकेगा। इसका एग्जाम्पल ये है कि जब 26/11 मुंबई हमले हुए थे, उस समय महाराष्ट्र पुलिस के कांस्टेबल ने आतंकी कसाब को पकड़ा था। इसी तरह की केस स्टडीज को ध्यान में रखते हुए ही पुलिस कर्मियों को ट्रेनिंग दी गई है। अभी तक राम मंदिर जैसे संवेदनशील मंदिर की सुरक्षा केंद्रीय बल द्वारा की जाती है, लेकिन यूपी के CM योगी ने उत्तर प्रदेश पुलिस और पुलिस की विशेष सुरक्षा बल की क्षमता पर भरोसा जताया है। जानकारी के मुताबिक आतंकवाद विरोधी प्रशिक्षण के तहत इन पुलिस कर्मियों को अगर हमला होता है तो तुरंत कैसे और क्या प्रतिक्रिया देनी है, काफिले पर हमला होने जैसी सिचुएशन में VIP को सुरक्षित रखना है या उनके साथ कैसे बचकर निकलना है, या हमला होने पर घुसपैठियों से कैसे बचना है, इन सब परिस्थितियों से निपटने के लिए खास प्रशिक्षण दिया गया है। आतंकवादी या घुसपैठी असॉल्ट राइफल ले जा सकते हैं, लेकिन उनसे निपटने के लिए कमांडोस को छोटे कैलिबर वाले हथियार ले जाने के लिए प्रशिक्षित किया गया है, ताकि वे टारगेट पर सटीक हमला कर सके। उन्हें छोटे कैलिबर वाले हथियार भी चलाने सिखाए गए हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में असॉल्ट राइफल का निशाना चूक भी सकता है। इस टॉपिक पर आपका क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में बताएं। साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। इसी तरह की स्टोरीज के लिए बने रहें न्यूज 18 इंडिया ओरिजिनल्स के साथ।